हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस में आप सबों का स्वागत है। टारगेट यूपीएससी मेंस 2020-2021 के अंतर्गत आज हम अपने डिस्कशन में न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रावधानों पर डिस्कशन करेंगे। यदि हम बात करें हाल फिलहाल के कॉन्टेस्ट का, तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्व प्रेरणा के अंतर्गत यानी कि सो मोटो के द्वारा एक विधिवेता यानी कि वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में मामला दर्ज किया गया है। इसलिए ये न्यूज़ में है, हमारे सिलेबस के अनुसार है, इसलिए हमें इसे जानना चाहिए। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के दिए गए सिलेबस, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अदालत के अवमानना का मतलब क्या होता है? अदालत के अवमानना का मतलब सिंपल और साधारण भाषा में आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब होता है कि यदि अदालत के द्वारा किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है, किसी भी प्रकार का फैसला सुनाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति या तो संस्थान इन आदेशों को मानने से इनकार करता है, तो इसे अदालत की अवमानना मानी जाएगी। ये डेफिनेशन वैश्विक लेवल के हिसाब से है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अदालत के अवमानना को दो अन्य तरीकों से भी देखा जाता है, जिसके अंतर्गत अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार का वक्तव्य या फिर किसी भी प्रकार से न्यायिक प्रशासन के कामकाज में बाधा डालने वाला कार्य किया जाता है, तो उसे भी अदालत की अवमानना मानी जाएगी। ये तो अदालत के डेफिनेशन अदालत के अवमानना से संबंधित डेफिनेशन था। इसे संबंधित यदि हम प्रकारों की बात करें, तो फ्रेंड्स, अदालत की अवमानना को दो तरीकों से बांटा जा सकता है। सबसे पहले सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना कहने का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश, दिशा निर्देश, रीट या फिर कोई भी सुनवाई की जाती है, तो उसको यदि कोई संस्थान या व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर मानने से इनकार किया जाता है, उनके आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे सिविल अवमानना कहा जाएगा। दूसरा, आपराधिक अवमानना की यदि हम बात करें, तो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति या तो संस्थान मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से कुछ ऐसी चीज़ों को लिखता है या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को लिखकर या बोलकर प्रकाशित करता है, जिसके किए जाने से अदालत के जो मान सम्मान है उसका हनन होता है, अदालत की गरिमा कम होती है, तो उस मामले को आपराधिक अवमानना माना जाएगा। तो आपने ये देखा कि अवमानना कितने तरह के होते हैं, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो आपराधिक अवमानना से संबंधित है। अभी जो प्रशांत भूषण के मामले में मामला दर्ज किया गया है वो भी आपराधिक अवमानना से संबंधित है, क्योंकि जो वकील यानी कि विधिवेता प्रशांत भूषण है, उनके द्वारा ट्वीट करके कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो अदालत का अवमानना है, इसलिए मामला दर्ज किया गया है। यदि हम बात करें इससे संबंधित दिए गए प्रावधानों का, तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ऐसा शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत के अवमानना के मामले में दंडित किया जा सकता है। ऐसे ही अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि उसके आदेशों को नहीं मानने के एवज में उस व्यक्ति को जो अदालत के आदेशों को नहीं मान रहा है दंडित किया जा सकता है। 1971 में इसी से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया था जिसके धारा 10 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश जारी किया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि को, और उन आदेशों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मान रहे हैं, तो उस मामले में अदालत की अवमानना मानकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर उससे जुड़े हुए लोगों को दंडित किया जा सकता है। ये प्रावधान 1971 के अवमानना अधिनियम के माध्यम से किया गया था। आगे संविधान में लोक व्यवस्था और मानहानि जैसे संदर्भों को अदालत की अवमानना के रूप में भी देखा जाएगा। इसी के अंतर्गत यदि
भारत में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का प्रावधान, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पर? यदि लोक व्यवस्था और मान हानि संबंधित नुकसान होने की संभावना है तो उस मामले में अनुच्छेद 19 जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये प्रावधान संवैधानिक रूप से और सांविधिक रूप से थे जिसे हम लोगों ने देखा। अगर हम बात करें विवाद क्यों उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अदालत के किसी भी कार्यवाही के खिलाफ बोलता है या फिर अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है तो उस पर दंड दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ भारत में नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही दिया जा रहा है, दूसरे तरफ यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से अदालत के कार्यवाही या फिर दिए गए आदेशों पर कुछ बोलता है तो उस चीज पर दंड भी दिया जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है। ऐसे ही अवमानना काफी हद तक एक व्यक्ति परक मामला है जिसका उपयोग न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक ढंग से जनता द्वारा उसकी आलोचना को दबाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि देखिए भारत की आज़ादी का उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे तो भारत में जो विपक्ष है वो मजबूत होता चला गया। एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाती रही और दूसरे तरफ भारत में जो विपक्षी नेता थे वो काफी मजबूत थे, चाहे आप किसी भी विपक्षी नेता को देख लें। आज इसीलिए मांग की जाती है कि जो विपक्षी दल है भारत में एनडीए के अलावा यूपीए, तो वो मजबूत होना चाहिए ताकि वो सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके, और यदि कोई किसी व्यक्ति का या तो संस्थान का आलोचना करता है तो कमियों की पता चलती है, और यदि एक बार कमी का पता चल गया तो उससे उस कमी को दूर करके उसे और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, अदालत के द्वारा किसी भी प्रकार के फैसले सुनाए जाते हैं, वो फैसला चाहे सही हो या फिर गलत हो लोगों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। आप लोग बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि अदालत अपने ही फैसलों को कई बार पलट देती है, यानी कि यदि आप पलट रहे हैं तब तक सही है, लेकिन आपके दिए गए किसी भी कानूनी प्रावधान पर कोई आलोचना कर रहा है, उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो आप उस पर सजा दे रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर विवाद है, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें कि अदालत के अवमानना संबंधित जो प्रावधान है, दंड देने का प्रावधान है, क्या इसे समाप्त कर दिया जाए, इसकी आवश्यकता क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी आवश्यकता है। कैसे? हमने अपने पिछले डिस्कशन में देखा था कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए ज्यादातर प्रावधान किसके द्वारा किए गए हैं, वो प्रावधान किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये प्रावधान नहीं किए गए हैं संसद के द्वारा। आप देख रहे हैं लगातार लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में, सभी जगह अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रतिशत बढ़ती जा रही है। कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। विधायिका में कौन लोग हैं? खुद अपराधी लोग हैं। वो कभी भी ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जो उनके खिलाफ हो, तो फिर बनाएगा कौन? बनाएगा न्यायालय। और यदि न्यायालय बना रहा है तो उसे लागू कौन करेगा? कार्यपालिका लागू करेगा। कार्यपालिका में कौन से लोग जुड़े हुए होते हैं? विधायिका के बहुत सारे लोग कार्यपालिका से सीधे सीधे संबंधित रखते हैं, जुड़े होते हैं। यदि अदालत के पास ऐसी शक्ति ना हो कि वो अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों को लागू करवा सके तो आप सोच सकते हैं भारत का क्या हालत होगा। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि अदालत में जो अवमानना का प्रावधान है उसे बनाए रखा जाए। इसीलिए क्या कहता है कि न्यायिक आदेशों को सुनिश्चित रूप से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि अवमानना संबंधित शक्तियों को बने रहने दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि न्यायालय आदेश जारी करेगी और यदि इनको लागू करवाने की शक्ति नहीं होगी तो फिर ये दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रावधान बिल्कुल सही है। दूसरा, न्यायपालिका की
स्वतंत्र प्रकृति को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो विधायिका और कार्यपालिका से भी दबाव बनाया जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विधायिका से भी न्यायपालिका में प्रवेश करेंगे और उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये आवश्यक है। अगला, भारत में यदि न्यायपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को सरकार या फिर निजी पक्ष द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो आप सोच सकते हैं भारत में विधि के जो शासन का प्रावधान है वहां कैसी संकट उत्पन्न हो सकती है, तो ये इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें प्रशांत भूषण के मामले को सीधे सीधे, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा कि अदालत के दिए गए आदेशों को यदि न माना जाए तो वो अदालत की अवमानना होती है। लेकिन हुआ क्या है कि प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर कुछ टिप्पणियां की जाती हैं ट्वीट के माध्यम से। उन ट्वीट में आप निजी तौर पर नहीं ले सकते क्या? वो ट्वीट अदालत के दिए गए दिशा निर्देश का अवहेलना नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने एक लाइन ऐसा जरूर लिखा है जिसमें हमारे पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनको आलोचना की गई है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर भी तो हो सकता है, तो क्या इसे इस आधार पर नहीं लिया जा सकता? तो फ्रेंड्स इसीलिए कहा जाता है कि थोड़े सतर्कता के साथ इन मामलों को देखने की और समझने की आवश्यकता है। कुछ विधिवेत्ता या फिर विधि विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनका कहना है कि प्रशांत भूषण के ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसे अदालत का अवमानना माना जाए। और एक अन्य प्रावधान हम यही कहेंगे जिसे हम लोगों ने देखा कि एक तरफ व्यक्ति को अनुच्छेद 19(1)(1)(a) के अंतर्गत शक्ति दिया गया है कि वे अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करें, दूसरे तरफ वहीं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तीसरा, जो प्रसंगत ट्वीट है जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है उसे अवमानना का सीमा का उल्लंघन कैसे माना जा सकता है? क्योंकि फ्रेंड्स अवमानना का सामान्य सिद्धांत यह है कि अदालत के द्वारा कोई निर्णय दिया जाए और उस निर्णय को मानने से मना किया जाए। लेकिन यह मामला किस आधार पर दर्ज किया गया है? किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणियां करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। तो यह प्रशांत भूषण से संबंधित मामला था। अगर हम बात करें निष्कर्ष रूप से, तो फ्रेंड्स अदालत की अवमानना का प्रावधान तो सही है, लेकिन जो सिविल अवमानना है उसे बिल्कुल रहने दिया जाए क्योंकि यह काफी जरूरी है, लेकिन जो आपराधिक अवमानना से संबंधित प्रावधान है उसे थोड़ा सोचकर मिल बैठकर सभी लोगों को बात करनी चाहिए और इससे जो भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है उसको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। लोगों को आप मत रोको आलोचना करने से, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो लोग चुप हो जाएंगे। यदि चुप हो जाएंगे तो आपको खुद आपकी कमियों का पता नहीं चलेगा, और एक बार कमियों का पता चलना रुक गया तो हम अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे। चीन और इंडिया में फिर अंतर क्या रह जाएगा? वहां पर सीधे सीधे लोगों को बोलने से ही रोक दिया जाता है, यहां पर बोलने के लिए लोगों को न रोका जाए। तो इसलिए आपराधिक अवमानना से संबंधित जो प्रावधान है उन प्रावधानों पर थोड़े सोच समझकर और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, जनता पर क्या विश्वास जाए, क्या संदेश जाएगा? जनता का विश्वास जो अदालत पर है वो क्या बनी रहेगी? क्योंकि फ्रेंड्स जहां सवाल उठता है कि कोई भी फैसला अदालत के द्वारा दिया गया और उन फैसलों पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, तो उस टिप्पणी पर यदि वो आपके खिलाफ है तो आप उस पर सजा दे दे रहे हैं। तो इसलिए सीधा सीधा ये जाएगा कि आपके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये एक अलग मैटर हो गया। दूसरा, मान लीजिए आप किसी मामले में दोषी हैं और आप जिस मामले में दोषी हैं आप ही को अनुमति दिया जाए, आप ही को अधिकार दिया जाए कि फैसला आप ही करेंगे, सुनवाई आप ही सुनेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पक्ष में फैसला देंगे या फिर नहीं देंगे? ज्यादातर मामलों में यही होता है कि आप अपने पक्ष में ही फैसला देंगे। यदि सामने वाला कमजोर है तो उसकी बातों को दबा दिया जाएगा। न्यायालय के मामला में क्या हो रहा है,
आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मामला किसके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है? न्यायालय के खिलाफ। सुनवाई किसके द्वारा की जा रही है? न्यायालय के द्वारा। और फैसले किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? न्यायालय के द्वारा। तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इसे बनाए रखना भी है तो एक ऐसा तंत्र बनाइए, एक ऐसा संस्थान बनाइए जो अदालत के अवमानना से संबंधित प्रावधानों को तथ्यों के हिसाब से नोटिफाई करे, उसको सुनवाई करे और उस पर जो भी फैसला देना है दे सकता है। तो हम इसे निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम बात करें अदालत के अवमानना संबंधित विदेशी प्रावधानों का, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने संविधान के बहुत सारे हिस्से को विदेशों से ही एडॉप्ट करते हैं, गोद लिए हुए हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो अदालत का अवमानना संबंधित प्रावधान है वो वर्तमान में वैश्विक लेवल पर क्या है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिनके द्वारा इन्हें अनावश्यक और प्राचीन कानूनी प्रावधान कहकर छोड़ दिया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर अदालत के अवमानना संबंधित प्रावधानों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यदि हम बात करें कनाडा का, तो यहाँ तत्काल में अदालत के अवमानना संबंधी किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। वैसे ही अमेरिकी अदालतों की यदि हम बात करें तो न्यायाधीशों या फिर कानूनी मामलों पर टिप्पणी के लिए किसी भी हिसाब से अदालत के अवमानना का प्रावधान नहीं चलाया जाता है। इंग्लैंड में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। इंग्लैंड में भी कानूनी संरचना में काफी विकास देखी गई है और वहां पर भी अदालत के अवमानना संबंधित बहुत समय से मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। तो ये वैश्विक लेवल की बात थी। अब हमारे लिए आगे का राह क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये कि आपराधिक अवमानना से संबंधित प्रावधान है, उन मामलों पर एक बार परीक्षण किया जाए, मूल्यांकन किया जाए और इसकी आवश्यकता पर विचार किया जाए। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आपराधिक अदालती कार्यवाही पर बाधा डालने की कोशिश कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि कोई टिप्पणी कर रहा है अदालत पर तो उसे बोलने से न रोका जाए, क्योंकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा और अंतिम ये कि अवमानना कानून को किसी संस्थान द्वारा आलोचना को रोकने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति न दिया जाए। तो आप इन तीनों बातों को याद रखेंगे। यदि आपको निष्कर्ष लिखने के लिए कहा जाए, इससे संबंधित प्रश्न आता है, तो आप इससे लिखकर अपने आंसर को बेहतर बनाएं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।